हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। बच्चों, हम आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत किया करते हैं। देखिए, आज आपको हम क्या करने चल रहे हैं भैया, आपके पास अच्छी तरीके से जानते हो टेंथ केमिस्ट्री जो है आपकी, उसमें आपके यहाँ एनसीईआरटी पैटर्न पे एक चैप्टर है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु की क्या है संरचना भाई, 12th और हाई स्कूल की क्लास के बाद आप लोगों को भी थोड़ा सा हम सोचे हैं कि आपको भी टाइम प्रोवाइड करें, और अगर आप लोग बढ़िया तरीके से अपने साथियों की संख्या बढ़ाएंगे और वीडियो को बढ़िया से शेयर करेंगे, और अगर आपके कमेंट्स आपके ठीक ठाक अच्छे रहेंगे, तो हम आपको और अच्छी क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। परमाणु की संरचना में कई अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको पढ़े होंगे। उसमें शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, फिर नाभिक क्या होता है, फिर मॉडल्स आपके विभिन्न प्रकार के, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सोमरफेल्ड का, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी होंगी। तो उसी से ही रिलेटिव आपको, उसके बाद उसमें फिर आपको पढ़ाया जाता है अपबाउ सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने करना आपको अपबाउ सिद्धांत से बेसिक केमिस्ट्री में भी बता रखा है। फिर आपको एक छोटा सा आज हम टॉपिक एक पढ़ाने जा रहे हैं, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या एक बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, जान लीजिए 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री पे। क्वांटम नंबर इसको हम लोग कहा किया करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे सब लोग जो खासतौर से 11th के बच्चे हैं, और आप लोग फ्यूचर में अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल स्ट्रीम में नीट की तैयारी करना चाहते हैं, आईटी की तैयारी, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, बैंक एसएससी में, तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। बैंक एसएससी में तो नहीं, लेकिन आपकी जो कंपटीशन पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं होती है वहां पे ये सब आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बाबू, और क्वांटम संख्या आनी चाहिए, और अगर नहीं समझदारी रहती है तो आप क्वांटम संख्या निकाल नहीं पाओगे। तो हम आपको पहले, सबसे पहले कुछ क्वांटम संख्या के पहले कुछ बातें बताएं। जैसा कि सब लोग जानते हो कि परमाणु जो हुआ करता है अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु के बीच में क्या हुआ करता है, यहाँ पे नाभिक होता है, नाभिक आपका धनावेशित होता है, और इसके चारों तरफ विभिन्न क्या हुआ करता है, कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके इसके चारों तरफ घूम रहा हुआ करता है, लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में, बात को समझिएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की कहाँ सही स्थिति है, सही उसकी स्थिति कहां पे है, अगर इसकी सही जानकारी आपको करनी है तो वो कहां से कर सकते हो आप लोग, क्वांटम संख्या से कर सकते हो। क्वांटम संख्या एक प्रकार की संख्याओं का समूह है जो ये बताया किया करती है कि किसी भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का कहां सही पोजीशन होती है। जैसे सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज होता है, ये नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है। अब अगर हम इसकी सही एग्जैक्ट पोजीशन जानना चाहते हैं तो इसे सीधा थोड़ी बता लेंगे, जैसे आप अभी हमसे सीधा मानिए, हमको मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन हैं, अपने आप को हम कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन हैं, और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से आप हर जगह के बच्चे देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक देश के बच्चे देखते हैं, हर देश के। तो अगर आप सही तरीके से एग्जैक्ट हमारी जानकारी करना चाहते हो तो सबसे पहले चार चीजें आपको जानना जरूरी होगा। सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि आप किस देश के निवासी हैं, बहुत देश है। उसके बाद अगर आप देश जान जाते हो तो उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि आप किस राज्य के निवासी हो। भाई अगर मान लीजिए कोई एक हमारे पास, मान लीजिए कोई एक अमेरिका का बंदा हो, हम वो हमसे बात करना चाहता है एक लेटर के माध्यम से, तो अगर वो जब लेटर लिख देगा तो उस लेटर पे सबसे पहली चीज जरूरी क्या होनी चाहिए, कंट्री, नहीं तो पूरे दुनिया में घूमता रहेगा। और अगर देश लिख दिया तो भारत में आ जाएगा। अब क्या भारत में आके नई दिल्ली में बैठा रहेगा, नहीं, उसके बाद उसका दूसरा एड्रेस क्या होना चाहिए। अब देश की जानकारी हो गई तो हम भाई भारत के निवासी नहीं, हमारा देश इंडिया, और उसके बाद वो दिल्ली में लेटर पड़ा रहता है। अगर वो उसके आगे नहीं लिखा होता क्या, क्योंकि भारत में आप जानते हो कितने राज्य हैं, तो उसके बाद उसमें दूसरी चीज उसकी क्या जरूरी होनी चाहिए, राज्य, कि हम यूपी वाले हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और अगर वो केवल उत्तर प्रदेश लिख के छोड़ दिया तो क्या हमसे हमारे पास लेटर आ जाता, कभी नहीं आता बाबू, वो पुराने जमाने वाले चला गया टांग कि कबूतर आ कबूतर जा, पहले प्यार की डांट डांट ले जा ले आ,
समझ में आया? आपका जमाना दूसरा आ चुका है, लेकिन हम पहले क्वांटम संख्या समझा रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक में सही जानकारी अगर करनी है तो वो क्वांटम संख्या होती है बबुआ। क्वांटम संख्या के बिना हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक में कहां पोजीशन है। तो हमने बताया पहली चीज देश जानना जरूरी होता है, और उसके बाद दूसरी चीज राज्य जानना जरूरी होता है, और वो यूपी में आ जाता, लखनऊ पड़ा रहता है अपना लेटर, हमारे पास थोड़ी आता है कि चले आइए रवि सर के पास लेटर मिल जाएगा ना। उसके बाद दूसरा चीज जानना जरूरी होगा कि किस हम डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, ये भी तो बड़ी चीज होती है कि डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है, ये चीज सबसे बड़ी चीज होती है। जान लीजिए तो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे जो भी होगा उसको आप लिख देंगे, जान लीजिए यूपी में हम किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, तब हमारे पास आ जाता लेटर। और उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट लिख देता तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय तो वहां पड़ा रहता, जबकि उसमें क्या नहीं लिखा जाता, पिन कोड या मोहल्ला नंबर, मकान नंबर जिसको आप कह सकते हो। अगर मकान नंबर लिख दिया गया और ये सब चीजें लिख दिया गया तो लेटर सीधा सीधा हमारे घर पे आ जाएगा। अब समझ में आ गया, इतनी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए क्या होता है, क्वांटम संख्या को इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, अंतरदेशी पता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या को इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं? अंतरदेशी पता कहते हैं। क्वांटम संख्या, पहले मेरी बात को ध्यान दीजिए, परिभाषा की बात कर रहे हैं। क्वांटम संख्या द्वारा, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की नाभिक में, इलेक्ट्रॉन की नाभिक में सही स्थिति, पोजीशन जिसको कहते हैं, सही स्थिति की जानकारी होती है। ये इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन। क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की नाभिक में क्या हुआ करती है, सही स्थिति की जानकारी होती है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, ये बताएगी कौन, क्वांटम संख्या बाबू। और अगली चीज, जो अगला चीज अगर डिफिनेशन कोई कहे तो आप कह सकते हो क्वांटम संख्या को किसी इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस, जैसे सबका एक एड्रेस होता है, समझ में आया, इसी भी क्वांटम संख्या को किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, पोस्टल एड्रेस, मतलब होता है बाबू अंतरदेशीय पता, इसको आप लोग आजकल लिखते हो अंतरदेशी क्या कहते हैं, पता कहते हैं। क्वांटम संख्या को इलेक्ट्रॉन का क्या कहा करते हैं, अंतरदेशी पता कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनवा है कहां, किस देश का इलेक्ट्रॉन है, किस राज्य का इलेक्ट्रॉन है, किस जिले का इलेक्ट्रॉन है, ये बाबू। और अगली चीज, अब जो एकदम किताबी डिफिनेशन है वो चीज ध्यान दीजिए, क्वांटम संख्या द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन के, अब परिभाषा ये जो किताबों में लिखी गई है, इलेक्ट्रॉन के कोष, अब कोष को तो देश मान सकते हो, उपकोष, इसकी जानकारी होगी उपकोष। अब कोष, उपकोष क्या है आपको अगर मालूम हो तो कमेंट कर सकते हो, कोष किसे कहते हैं, उपकोष किसे कहते हैं, कोष, उपकोष। और अगली चीज ऑर्बिटल, किसकी ऑर्बिटल एवं किसकी स्पिन की जानकारी होती है, जानकारी होती है। क्वांटम संख्याएं वह होती हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसकी जानकारी देती हैं, कोष की, उपकोष की, किसकी, उपकोष की या ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस ऑर्बिटल में है, और उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इतनी चीजों की जानकारी किसके द्वारा होती है, क्वांटम संख्या द्वारा। क्वांटम संख्याएं या इसी को ऑर्बिटल गुणा क्या करके हम लोग कह देते हैं, अभिविन्यास की, क्या हुआ करता है, इसी को चाहे कह दीजिएगा अभिविन्यास की क्या हुआ करती है, जानकारी हुआ करती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं बाबू, आप लोग क्वांटम संख्या कहा करते हो। और इसके अकॉर्डिंग आप देखें चार चीजें हैं, इसीलिए क्वांटम संख्या के कितने प्रकार हो गए, चार प्रकार। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की हो गई, चार प्रकार की हो गई बाबू। और चार प्रकार की कौन कौन सी होती है,
पहली होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की हो गई? चार। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी क्वांटम संख्या होती है द्विगंसी क्वांटम संख्या, एजुमुथल क्वांटम नंबर। दूसर की कौन सी? द्विगंसी। दूसर की द्विगंसी क्वांटम संख्या। और तीसरी होती है भैया चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की? चार। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये हो गई बाबू। और चौथी होती है आपकी चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। चक्रण या क्या होती है? स्पिन क्वांटम संख्या। द्विगंसी क्वांटम संख्या को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, और इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, और इसको यस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस प्रकार यहाँ स्मॉल एस लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की हो गई? चार प्रकार की। पहली कौन सी बाबू? मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी द्विगंसी क्वांटम संख्या। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और अगली कौन सी होती है? चक्रण क्वांटम संख्या। एक बात पूरा हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। क्वांटम संख्या द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन के नाभिक में सही स्थिति की जानकारी होती है, और क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन का अंतर्देशी पता माना जाता है। और अगली चीज, क्वांटम संख्या द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोष उपकोष अभिविन्यास ओरिएंटेशन क्या होता है उसका, और उसकी चीज बाद ओरिएंटेशन का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है, और फिर स्पिन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है की जानकारी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। और इसके अकॉर्डिंग क्वांटम संख्या क्या होती है? चार प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगंसी क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और अगली कौन सी होती है? चक्रण क्वांटम संख्या होती है। और अब आपको हम बता दें, जैसे हमने कहा था किसी के व्यक्ति का एड्रेस में चार चीजें, तो जैसे मुख्य क्वांटम संख्या है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है? कंट्री को। द्विगंसी क्वांटम संख्या किसकी इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के, आपकी स्टेट को जैसे। और चुंबकीय क्वांटम संख्या में जैसे जिला आपका है, चक्रण क्वांटम संख्या जैसे आपका मकान नंबर है, पिनकोड होता है। तो जैसे चार चीजें आपके लिए मस्ट है, वैसे ही आप जान लीजिएगा ये आपके लिए चारों होती है। इन चारों चीजों को आप बताइएगा तो इलेक्ट्रॉन की सही एग्जैक्ट पोजिशन आपको मालूम हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है। तो आपको पूरा एकदम विधिवत बताएंगे, मुख्य क्वांटम संख्या इसके बाद, फिर द्विगंसी क्वांटम संख्या, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, फिर चक्रण क्वांटम संख्या। अब आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबू सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए अभी यही समझ में आएगा कि सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करें तो पहले 11वां इलेक्ट्रॉन देखोगे तो उसको आप जानते हो वो कहाँ होगा, 3s1 में होगा। ये जान लीजिए 11वां इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा तो मान हो जाएगा, और यन का मान यहाँ कितना होगा? 3 होगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? यन के बाद यन का मान 0 होगा, यन का मान 0 होगा, और यस का मान क्या हो जाएगा? ये आपका क्लॉक वाइज जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये यन कैसे आया? 3 आया। यल कैसे 0 आया? यम कैसे 0 आया? यस कैसे प्लस हाफ आया? ये सब चीजें आपको तब जानकारी होगी जब आप पूरा इसको विधिवत एकदम समझ पाओगे तब। तो हमने आज एक शुरुआत किया है बढ़िया सा, आप लोगों को हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना एक्टिव हो, क्योंकि हाई स्कूल और ट्वेल्थ के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि उनको बोर्ड परीक्षाएं देना है। और जब तक किसी चीज की किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती है तब तक हम मानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर किसी व्यक्ति को जान लीजिए भोजन आपको मिल रहा होता है तो फिर वो काम नहीं करेगा, और जब भोजन मिलेगा खाने को तो फिर क्यों जाए कमाने को, कहावत कही गई है। तो आपको जान लीजिएगा जब आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उस चीज को नहीं समझ पाते हो, इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आवश्यकता समझिएगा तो इस वीडियो को आप लोग वायरल कीजिएगा बढ़िया तरीके से, और हमें मोटिवेट करिएगा कमेंट के माध्यम से, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो बाबू, और अपने क्लास के बच्चों की संख्या को बढ़ाओ ताकि हम मोटिवेट हो और आपको नया वीडियो प्रोवाइड करें। जिस तरीके से हमने 12th और 10th की केमिस्ट्री को मारा धुआं धुआं हो गई है, वैसे 12th 11th की भी केमिस्ट्री का धुआं कर सकते हैं।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडियंस क्या चाहता है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, इन सब चीजों को आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। केमिस्ट्री तुम्हारे रग रग में बस जाएगी, जान लीजिएगा। आप लोग तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।